नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विपिन लूथरा और आज हम लोग आ रखे हैं पठानकोट के अंदर। पठानकोट के अंदर हमारा लूथरा बरादरी का वार्षिक यहाँ लगता है मेला। उस मेले में आपको दिखाते हैं कि किस तरह की तैयारी रहती हैं और जो हमारे लूथरा बरादरी के जो रीति रिवाज हैं वो किस तरह के रहेंगे और ये जो मंदिर जो हमारा है किस जगह पर है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। आपको दिखाने के साथ साथ नमस्कार राजीव जी, कैसे हो राजीव जी आप? बढ़िया जी। हेलो जी, कैसे हो जी आप? सारा जय माता दी, जय माता दी, स्तुति माता दा, बोल साचे दरबार की जय। तो ये हमारे साथ इस मंदिर के प्रधान राजीव जी हैं। राजीव जी थोड़ा सा बताइए, जो लूथरा बरादरी के जो हमारा जो मंदिर है, मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताइए और किस किस तरह से यहाँ पर इंतजाम रहते हैं लोगों के आने के लिए। ये हमारा बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर लूथरा बरादरी की हर साल मेल लगती है कत्ते की पुनिया को और आम लोगों के लिए ये, जैसे कि गुरु नानक देव जी का जिस दिन जन्मदिन होता है उस दिन ये मेल लगती है। यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से, देश विदेश से लोग आते हैं और इस जगह पे आके महामाई का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ये बताइए, जो स्टार्टिंग में जो ये हवन है, हवन का जो समय कब रहता है? हाँ, ये सुबह 7 बजे से हवन शुरू होता है और उसके बाद 2 घंटे में ये हवन ख़त्म हो जाता है और 7 से 9 बजे तक होता है। तो ये हवन है हमारा। हाँ, तो उसके बाद अब आगे चलते हैं हम। ये बाबा भूरा जी का, आइए, ये हमारा बाबा भूरा जी का स्थान है और यहाँ पे आके तेल डाल के लोग जोत जगाते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अच्छा, तो उसके बाद आप आगे चलते हैं जो हमारा कुलदेवी का जो हमारा मंदिर है हमारा। जयकारा स्तुति माता दा, बोल साचे दरबार की जय। ये हमारी स्तुति माता जी का स्थान है जी, बोलते रहो। और यहाँ पर पूरे पंजाब हिंदुस्तान से आके लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और ये हमारे राजकुमार जी यहाँ पे सेवादार हैं। राजकुमार जी, ये हमारे इस मंदिर के पुजारी हैं राजकुमार जी। राजकुमार जी, जो आप जो सेवा है जो कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे आज हमारा वार्षिक उत्सव है हमारा लूथरा परिवार का, तो ये सुबह कब स्टार्ट किया आपने पूजा? ये सुबह चार बजे पूजा हमारी स्टार्ट हो गई थी। तो पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर आ रहे हैं जी। मैं आपको सबको मिलाना चाहूँगा। मैं आइए, मैं दिखाता हूँ आपको। आप मथा टेकिए आप। हाँ, नमस्कार जी, आप कहाँ से हैं जी? हम पठानकोट से हैं जी। पठानकोट से? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे माता रानी की कृपा से सबकी मनोकामना पूरी होती है और श्रद्धा भाव से। हाँ जी, हम हर साल आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो किस तरह की माँ से जो कामना जो मांगते हैं? माँ से जो भी कामना मांगो वो पूरी करती है। हाँ जी, हाँ जी। आप कहाँ से हैं जी? सर, हम गुरदासपुर से। गुरदासपुर से? हाँ जी। आप अकेले आए या पूरी फैमिली? नहीं, पूरी फैमिली के साथ आए हैं। तो आपके साथ छोटे बच्चे भी आए हैं? हाँ जी, छोटे बच्चे भी। बच्चों को भी जो रीति रिवाज हमारे उनको आप सिखा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, साथ में। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। किनके साथ आए हो आप? फैमिली के साथ आए हैं। आपके साथ? पापा के साथ। हाँ, कैसा लग रहा है पुत्र को? अच्छा लग रहा है। तो जयकारा बोलो माता रानी का। जयकारा शेरावाला, बोल साचे दरबार की जय। तो जैसे जो हमारे जो लूथरा खान के जो जो रीति रिवाज है उसमें क्या क्या लेकर आते हैं आप माता जी के श्रृंगार के लिए? माता रानी की चुनरी लेके आते हैं, माता रानी का चोला लेके आते हैं, माता रानी के लिए प्रसाद लेके आते हैं, चूड़ियाँ लेके आते हैं, बाबा जी का भी चोला लेके आते हैं, प्रसाद लेके आते हैं, उनके लिए तेल चढ़ाते हैं। तो आपने मथा यहाँ टेक लिया या टेकना जी आपने? टेकना है हमने। हाँ जी, टेकना है। जय माता दी। बाबू जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। आपको नमस्कार जी। आप किस तरफ से आए ये बताइए? हम पठानकोट से लोकल ही हैं। अच्छा, लोकल पठानकोट से? हाँ जी। थोड़ा सा हमारे लूथरा खानदान के जो थोड़े से रीति रिवाज है, मैं ये चाह रहा था कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर जिनको हमारे इस मंदिर के बारे में और जो हमारे जो रीति रिवाज है उनके बारे में नहीं पता, थोड़ा सा बताइए भी कि उससे क्या है लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाएगी, जो हमारे जो नए बच्चे हैं उनको भी समझ आएगी हमारे समाज के प्रति थोड़ा सा। हमें तो जिन लूथरा परिवारों का पता चलता है कोई, वो कभी इधर नहीं आए, हम उनको फ़ोन करके बता देते हैं कि इधर हमारा साल में एक बार अपने परिवार का माता रानी का देवी का स्थान है, इधर हम आशीर्वाद लेते हैं। वैसे तो मैंने देखा हमारे लूथरा साहब राजीव जी, हाँ जी, ये बहुत एक्टिव है जी ये। हाँ जी, बिल्कुल। तो इनका ये बहुत सुंदर प्रयास है जी, बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान से ये मोती इकट्ठे करके एक माला बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी। बिल्कुल ठीक। हाँ,
तो लूथरा साहब थोड़ा सा आप बताइए यार, मुझे बड़ी खुशी होती है आपके साथ मिलकर कि पूरे हिंदुस्तान से आप सारे मोती इकट्ठे करने के बाद एक जो माला बना रहे हो। ये तो महामाई की कृपा है जी। देखिए ये हमारा स्थान था, ये पहले पाकिस्तान में था। अच्छा, हाँ पाकिस्तान के बाद हम जैसे ही ये बंटवारा हो गया तो यहाँ पे आ गए। अच्छा हाँ, ये पहले तो भाई आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आए थोड़ा सा बताइए मुझे आप। मैं अमित लूथरा, कुल्लू हिमाचल प्रदेश से, और पिछले 10 साल से कंटिन्यू आ रहा हूँ यहाँ पे। और राजीव भैया की मतलब ऐसी कृपा होती है, भगवती का आशीर्वाद हर बार ऐसा मिलता है कि मतलब दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। और जहाँ पे भी कोई भी लूथरा बिरादरी का या मतलब लूथरा भाई कोई भी मिलता है हमें, तो उसको कम से कम ये बनाने का प्रयास करते हैं कि दिवाली से 15 दिन बाद जब गुरु नानक देव जी की जयंती होती है तो यहाँ पे हमारा एक मेला लगता है, और मेला इतना विशाल है कि यहाँ से जाने का शाम को दिल भी नहीं करता। क्या बात है जी, देखो अभी छोटी सी उम्र है इनकी, 10 साल हो गए इनको यहाँ पर आते हुए, तो बड़ी खुशी होती है। और ये अच्छे संस्कार है अभी के इनके माता पिता ने इनको सब कुछ सिखाया बताया, तो अब ये उन्हीं रास्ते पे चल पड़ रहे हैं जी। और ये लूथरा जी आइए थोड़ा सा आगे, मुझे और बताइए कि भी हमारे इस मंदिर में जो और जो इंतजाम हो किस किस तरह से इंतजाम हमारे। जय माता दी। आप कहाँ से आए जी आप? सर लोकली पठानकोट से। अच्छा पठानकोट से जी आप, आज माता जी का शिवा लेने आए जी आप? हाँ जी। क्या बात है जी। और आप बेटा? पठानकोट से। वेरी गुड। छोटी सी उम्र के अंदर आपको जो अच्छे संस्कार मिले आपके माता पिता की तरफ से, बड़ी खुशी होती है बेटा आपको। जय माता दी। नमस्कार माता जी। आप कहाँ से माता जी आए हो? पठानकोट। अच्छा पठानकोट से आप? अच्छा सारे पठानकोट से हो। नमस्कार जी। आप कहाँ से हो जी आप? हम जलंधर से। जलंधर से? मैं भी जलंधर से, मैं बस्ती शेख हूँ जी। मैं किशनपुरा से। क्या बात है, यहाँ तो भाई सारे हिंदुस्तान से लोग चल चल कर आ रहे हैं जी। क्या बात है जी। नमस्कार जी, मैं भी लूथरा परिवार से हूँ जी। मैं तो मैं ये चाह रहा था भी मोस्ट वाली काफ़ी लोगों जो हमारे लूथरा परिवारों से जो लोग हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बहुत कम लोगों को बता भी कि जो हमारा जो पितरों का जो हमारा जो स्थान है यहाँ पर उनके बारे में, तो आपको ये स्थान के बारे कब से मालूम पड़ा आपको जी? देखो कब से आ रहे यहाँ पर? हम जब से शुरू जहाँ किया तभी से। अच्छा बोलो। जय माता दी। जय माता। नमस्कार माता जी। आप कहाँ से जी आप? पठानकोट से ही मिसेज। क्या बात है जी, बोलो फिर इसी सारे में इकट्ठे बोलो जय माता दी। जय माता दी। हाथ उठा के बोलो जय माता दी। जय माता दी। क्या बात है जी। जय माता दी। आप कहाँ से जी आप? मैं बटाला से। बटाला से? अच्छा बटाला तो मेरे ध्यानपुर नहीं, मेन बटाला सिटी। अच्छा बटाला सिटी से। तो सुबह कब चले घर से आप? मैं कोई 10 बजे के करीब चला। 10 बजे करीब। तो लास्ट कब से आ रहे हैं यहाँ पर आप? ये सेकंड टाइम आया, पहले वो वहाँ पे जाते थे कठुए में। कठुआ जाते थे आप? अच्छा ये बताइए भी कि जो अपने समाज के जो लोग हैं बाकी जो लूथरा, आप उन सबको मैसेज देते भी कि हमारा यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आके माता जी का आशीर्वाद ले आना चाहिए, सभी बिरादरी भाई इकट्ठे होते हैं इसी बहाने। ये आप सबकी जो वीडियोस बन रही है वो सारी वीडियोस भाई साहब के पास आ जाएगी, ठीक है? आप उन वीडियो को देखो। मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियोस जो बन रही है हमारे लूथरी बरादरी का, नेट के ऊपर कोई सिस्टम नहीं है कहीं पर भी, लोगों को पता नहीं इसके बारे में कि हमारी जो लूथरा बरादरी है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर हम लोग हैं या नहीं है। हाँ जी। ये जब वीडियो आपके बनकर आएगी तो इस वीडियो को आपने पूरा वायरल करना है कि जितने भी लोग हिंदुस्तान से हैं सबको मालूम पड़े कि हमारा जो लूथरों का जो यहाँ स्थान बना हुआ है। हाँ जी, ठीक है। जय माता। जय माता। जय माता। क्या बात है जी, ये पूरे श्रृंगार के साथ आए आप, थोड़ा सा मुझे बताइए आप। हाँ जी। ये श्रृंगार के बारे में, ये इतना श्रृंगार जो लेकर आए हो जी, ये किसके लिए? ये मेरे लिए है, ये माता जी के लिए? किसके लिए जी? माता जी के लिए। माता जी के लिए। सबसे पहले माता जी है ना, फिर पिताजी, फिर अपने आप का कुछ आता है। ये हमारे कोई रीति रिवाज है, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है, थोड़ा सा बताइए क्या रीति रिवाज है। आपको बड़े बताएंगे हमारे घर के, क्योंकि उसकी हम खुशी के कारण ये सब उनको समर्पित करते हैं। और इसका मकसद भी यही होता है जठेरे का, हमारे बच्चों को पता चले कि हमने बड़ों का आदर मान करना है, ठीक है जी। यहाँ आने का और कोई मकसद नहीं होता, बच्चों को भी पता चलता है और हमारे मन में भी रहता है। और बच्चे बड़े हैं, इनकी शादी अभी हुई है, माता का आशीर्वाद लेने आए। कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो माता का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद देते हैं। तो यही ये खुशी हुई है कि ये बच्चा नया हमारे घर के अंदर आया। हाँ जी। हाँ जी। अब आपकी जो जिम्मेवारी धीरे धीरे खत्म हो रही है। हाँ जी। इनकी जिम्मेवारी बढ़ रही है। हाँ जी। इनको हमारे संस्कारों वगैरह समझ आएगा। संस्कार देने के यही बात। क्या सा लग रहा है जी आपको? अच्छा लग रहा है। कितने साल हो गए शादी का आपकी? अभी तो साल में ही नहीं हुआ है। महीना ही हुआ है, पहली बार है। फिर तो आप बड़े अच्छे टाइम पे आ गए, भी आपको हमारे जो संस्कार लूथरा परिवार के वो पता लग गया आपको जी। चलो ये मेरा आशीर्वाद है पुत्र आपको, ठीक है जी। हाँ मेरी बेटी आप भी यहाँ पर आए हो। जय माता दी।
आप कहाँ रहते हो आप? हम गुरदासपुर में रहते हैं। नाम बताइए मुझे। अलका वर्मा, गुरदासपुर में मेन। गुरदासपुर नाम बताइए बेटा आपका। अलका वर्मा, लूथरा। लूथरा, अच्छा, लूथरा खानदान से मेरा पुत्र है मेरा ये। बोलो जय माता दी। जय माता दी। नमस्कार जी, आइए जी, आइए, आप भी आइए। आओ आजी, आओ आओ आओ। पहले तो आप अपना नाम बताइए मुझे आपका। सिमरन लुथरा। कितना साल हो गया आपकी शादी को? एक साल। एक साल हो गया, जय माता दी। तो मतलब पहली बार आप आ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, दूसरी बार। दूसरी बार आपको। तो जो हमारे जो रीति रिवाज है लूथरा खानदान के, कुछ समझ आ गया होगा आपको? हाँ, यही हमारी लूथरा खानदान की पहचान है कि हमारे जो बच्चे नए हैं उनको पता लगना चाहिए कि हमारा समाज क्या काम कर रहा है, हमारे जो रीति रिवाज है वो कैसे काम कर रहे हैं सारे। जी, नेट पे मैंने बहुत सर्च मारा तो मुझे अपने इतिहास के बारे में कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मेरी ये कोशिश है कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं कि जिससे हमारे आने वाले वंशजों को सबको पता लगे भी कि हम लोग कहां का रहने वाले, हमारे जो रीति रिवाज है वो कैसे हैं, हम लोग किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम बताइए। सुरेंद्र लुथरा। अपने पठानकोट का भी डाला हुआ था, आप आए थे ना पठानकोट में भी? हाँ जी, हाँ जी, काफी मेरे भाई राजीव जी। हाँ जी, इनसे मैं बड़ा कुछ सीखता हूँ जी मैं। आज ये जो लूथरा खानदान के लिए मैं जो वीडियो तैयार कर रहा हूँ जी, जी, ये सभी इन्हीं के कारण हो रहा जी। जी, जी, नहीं नहीं, काफी इनका काफी जो है काफी अच्छा नेचर। आपका सहयोग इसमें ये रहेगा भी कि जो हमारे लूथरा खानदान के बारे में लोगों को नहीं पता, वीडियो वायरल होगी, आपने अपने सब दोस्तों को भेजनी पड़ी आपने। जी जी जी, नहीं हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं फेसबुक, सबसे ज्यादा फेसबुक से ही हमको पता चलता है यहाँ पे आने का जाने का। जैसे भी अब रिसेंटली वीडियो भी अपडेट हो रही थी यहाँ की भी, दूसरी जगह की भी, तो उसी के माध्यम से हमें पता चलता है। चलो भाई, जो पोस्ट है हमारा, जैसे कोई आना घर पे लेटर वगैरह नहीं, बाई चांस किसी कारण नहीं पहुंचता, लेकिन एक फेसबुक तो सोशल नेटवर्क है जिससे हमें अपना पता चलता है कि हाँ। वैसे भी हमें तो 6 साल से ज़्यादा हो गए यहाँ पे आते हुए। हमारी जो टोटल जो वीडियो बन रही है सारी की सारी वीडियो मेरे ये गुरुदेव जी, इन ये भी आपके साथ ही होते हैं वीडियो में। देखें अगर ये आज लूथरा खानदान की वीडियो बन रही है जी जी जी, तो ये मेरे गुरु हैं अर्जुन जी। हाँ जी, हाँ जी, सभी इन्हीं के सौभाग्य सारा कुछ हो रहा है जी जी जी। तो मैं धन्यवाद इनका भी करना चाहूंगा दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। लो जी, ठीक है। हाँ जी, सुंदर जी बताइए। मैं बताता हूँ जी इनके बारे में। ये डीएनसी में जॉब करते हैं और अपने लूथरा परिवारों की बहुत हेल्प करते हैं। कोई भी कभी हम बोलते हैं उनकी बहुत हेल्प करते हैं। क्या बात है, क्या बात है जी। डीएमसी एमटी डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूँ। जय माता दी। जय माता दी। कुछ आप कहना चाहें अपनी बिरादरी के लिए? तो कुछ मैसेज दीजिए कुछ। बस सर, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँचे जो अपने बिरादरी के हैं लोग। ये लूथरा खानदान के सबसे बड़े जोहरी हैं जी हमारे। ये सभी मोतियों को ठहर के एक माला बना रहे हैं जी। जी, जी, जी। तो मैं तो दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा अपने भाई का हमेशा जी। ठीक है जी, आइए। नमस्कार जी, नाम बताइए आप अपना। सुखविंदर सिंह जी। सुखविंदर जी, सुखविंदर जी कहाँ से है जी आप? लुधियाना से। लुधियाना से, क्या बात है। लुधियाना पूरा पंजाब इकट्ठा कर लिया आपने जी। पूरा पंजाब इकट्ठा कर लिया वो तो भाई साहब। लुधियाना से है ये, लुधियाना से है। तो आप कब से आ रहे हैं अपना इस? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। तो कोशिश करिए लूथरा खानदान के जितने भी लोग आपको मिलते हैं सभी के पास ये मैसेज जाना चाहिए। नेट के ऊपर हम लोग कहीं स्टैंड नहीं कर रहे, तो ये हमारी पहली वीडियो बनने जा रही है। अब कोशिश करना भी कि ये जो हमारी जो वीडियो बन रही है, हमारे रीति रिवाज क्या है लूथरा खानदान के, किस तरह का जो अरेंजमेंट भाई साहब ने किया राजीव जी ने, यहाँ पर सबको एक मैसेज पहुँचाइए कि अगली बारी जब मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होनी चाहिए मेरे पास। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। हाँ जी, अब आप बताइए भी कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? नाम अशोक कुमार लूथरा। हाँ जी, होशियारपुर से आए हैं। जब से यहाँ आ रहे हैं ना वो बढ़िया महसूस होता है। यहाँ विपन भाई साहब के मेहनत से यहाँ ट्रांसफ़र हुए हमारे ये जो जठेरे हैं, सबसे बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है, खाना पीना रहना हर चीज़ का अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आप बताइए जी कुछ और। हाँ जी, अपना पहले नाम बताइए मुझे। अनीता लूथरा है फ्रॉम होशियारपुर। हाँ जी, ये मेरे ताया जी के बेटे हैं राजीव वर्मा। ये इन्होंने ही सारा श्रेय इनको ही जाता है, सारा सारा श्रेय इनको ही जाता है। तो क्योंकि हमारे जो जठेरे हैं वो पूरा माहौल ही ऐसा होता है कि शादी जैसा माहौल है आज। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। आप बहुत सुंदर लग रहे हो, अच्छा मेकअप किया हुआ है आपने,
तो मुझे तो ऐसे लग रहा है भी जैसे शायद आप कहीं हिमाचल वगैरह से आए हो। हिमाचल से? हम कुल्लू मनाली से आए हैं। क्या बात है, इसका मेरा जो मैंने अनुमान लगाया भी हिमाचल से, सचमुच में आप हिमाचल से आए। आप थोड़ा सा बताइए, जो आज हमारा जो फंक्शन है जेठोरों का, उसके बारे में बताइए कि आप कब से यहाँ पर आ रहे हो, जो आपकी जो आस्था है अपनी माँ देवी के साथ बड़ा किस तरह से आस्था जुड़ी हुई है आपकी? हमें आते हुए 10 साल हो गए हैं और हम कभी भी मिस नहीं करते हैं। हमें हमेशा यहाँ पे अच्छा फल मिलता है जब भी आते हैं, मन को खुशी मिलती है, सारे इकट्ठे होते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ अकेले आए हो या कोई साथ भी आए आपके? अच्छा, यार आप बताते नहीं यार, आप दोनों मियाँ भी आए हो कि बच्चे भी साथ आपके आए हैं? बच्चे भी साथ। बच्चे कहाँ यार, बच्चों ये जो रीति रिवाज हमारे हैं, हमारे बच्चों में संस्कार जाने चाहिए। बच्चे कहाँ, बच्चों को तो मिलवाओ पड़े यार। बच्चे इस समय मेले का एंजॉय ले रहे हैं थोड़ा सा ना, यहाँ पे मेला लगा हुआ था, वो अपने दोस्तों के साथ और खाने पीने का वो देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं पूरे, मतलब पूरा एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा फेस्टिवल है, टूर हो गया आपका सारा यहाँ पर। नमस्कार जी, थोड़ा अपना नाम बताइए और कहां से हैं थोड़ा सा। मेरा नाम बलराज लूथरा जी, होशियारपुर से है। ये मैं आज यहां पर देख रहा हूं कि सारा होशियारपुर, सारा लुधियाना, सारी इसी बेल्ट से लोग आ रहे सारे। एक्चुअली ना होशियारपुर, जलंधर, लूथरा ब्रदर इधर बहुत है, जलंधर तो बहुत ज़्यादा है, होशियारपुर तो मेरे भरा भी कर रहे थे जलंधर जी। हाँ जी, जलंधर से लूथरे बहुत ज़्यादा है। हाँ जी हाँ जी, और ये बहुत अच्छा, इन्होंने मेरे ब्रदर है जी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जो सारा परिवार इकट्ठा किया जी, बहुत ही वधिया लगता जी, ध्यान के मन नहीं करता जान नूं वापस। राजीव जी, मुझे एक शब्द सुन के बड़ी खुशी हो रही है, जितने भी लोग आपको मिल रहे हैं ना, सारे कह रहे हैं यार मेरा भरा है, मेरा बेटा, मेरा भरा यार, आपने क्या जादू कर दिया लोगों पे। ऐसा इनका आशीर्वाद है, ये सब इनका आशीर्वाद। इन्होंने हिम्मत की थी कठुआ से यहाँ लाने के लिए, वहाँ पे 3 जनों के थे जठेरे, डल्ला फैमिली थी, लूथरा फैमिली थी और सदेड़े थे, तो हमने अपने जठेरे इधर ले आए थे, बहुत अच्छा लगा। आप इन चीज़ों को बड़े गौर से सुन रहे हैं, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं मुझे लग रहा है ऐसा। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि सारा श्रेय इनको ही जाता है, इन्होंने सबको इकट्ठा किया हुआ यहाँ पे। विपन जी, मुझे तो इनका बस विपन नाम अच्छा लगता है, मैं वही बोलती हूँ। देखो मुझे ना इनके 2 नाम सुनने को मिल रहे हैं, एक राजीव लूथरा, एक विपन लूथरा। जब आपने विपन लूथरा गाना तो मेरा नाम भी सेम ही, मुझे बड़ी खुशी। ओह वेरी गुड, जैसे ये मेरे भाई है वैसे ही आप मेरे भाई है, इसके सारा श्रेय इनको जाता है, बहुत अच्छा मैनेज किया इन्होंने। हमारा लूथरा परिवार कितना बड़ा है, कितना बड़ा मैनेज किया सबको, बहुत इकट्ठा किया इन्होंने, बहुत अच्छा लगता है इनको। देखो लूथरा साहब, इस तरह हूँ ये पूरी वीडियो बन रही है जी, ये वीडियो भाई साहब के पास आ जाएगी। आपने कोशिश करना है भी कि इस वीडियो को जितना वायरल कर सके उतना करो, कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लूथरा खानदान के लोग हैं ये वीडियो सबके पास जाए। यहाँ आने का पर्पज सिर्फ मेरा एक यही था, अगर ये वीडियो सारे अपने लोगों के पास जाती है, लूथरा बरादरी के पास, तो मुझे सबसे बड़ी खुशी होगी कि मैं जब अगली बारी मैं यहाँ आऊँ तो मुझे यहाँ पैर रखने की जगह मिले, तो मुझे ये लगेगा भी कि जो हमारी जो की हुई मेहनत है वो कामयाब हुई है जी। हम तो एक बार बस में जा रहे थे, देखा लूथरा फैमिली का किसी का नंबर लिखा हुआ, वहाँ से नंबर नोट किया, उनको चिट्ठी लिखी, फोन किया कि हमारे बरादरी जो है वो वहाँ पे इकट्ठे होते हैं सारे, आप भी वहीं पे आओ। जय माता दी। ये तो जो है, लेकिन इनकी मेहनत भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मेहनत है। ओके, जय माता दी, इनका प्यार है। जय माता। चलो आइए लूथरा जी, एक तो बताइए मंदिर तो हमने आपने हमारी दिखा दिया है, उसके उसके अलावा मुझे बताइए भी कि यहाँ किस तरह के प्रबंध किए हैं, जैसे मान लीजिए भी किसी बंदे ने रात को स्टे करना हो, यहाँ रुकने के लिए इंतजाम उनका है या नहीं, थोड़ा सा बताइए मुझे। ये देखिए, ये महामाई की कृपा से ये हमारे सारे नीचे कमरे बने हुए हैं और ऊपर भी सारे कमरे बने हुए हैं। अच्छा। और ये बहुत बड़ा हाल बना हुआ है हमारे पास, यहाँ पे चाहे 100 बंदा आ जाए रात को, 200 आ जाए, 500 आ जाए, 1000 आ जाए, वो महामाई की कृपा से कोई भी परेशानी नहीं है, और उनके रहने का खाने पीने का पूरा प्रबंध होगा। क्या बात। हाँ, खाने पीने से मुझे ऐसे याद आया, कुछ सामने दिख रहा है मुझे खाने पीने वाली चीज़ें, आओ देखते हैं ये खाने पीने का कैसा, किस तरह से इंतजाम किया आपने। वाह जी वाह, गर्मा गर्म कॉफी डालना। काकू जी, तुसी तो मैं लगता इतने पूरा फंक्शन इंजॉय करने से आए हो, पूरा इंजॉय कर रहे हो, अपने सारे जठेरे से आए कि ब्याह च आए हो कितने? मतलब ये अभी ब्याह तो कट नहीं गा जी, जठेरे कहते आओ खाओ पियो और चोली भर के लेके जाओ। अच्छा, यहाँ से कॉफी का पूरा इंतजाम है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, आगे चलते हैं जी, ये पानी है इस तरह, पूरा पानी का इंतजाम है यहाँ पर, इधर आ जाओ और अपने देख के कर रहे हैं।
वाह जी वाह। ये दिन तुम दसो जी टिक्की खा रहे हो, टिक्की का तेरे स्वाद कितना खा रहे है? बहुत ज्यादा। आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हो? हम अमृतसर से आए हैं। हाँ जी लूथरा साहब, तुसी तां पूरा पंजाब काबू कर लिया। सारे साडे परिवार आ। हां जी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਕੀ ਖਾ ਰਹੇ, ਟਿੱਕੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਟਿੱਕੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੂਡਲ ਖਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਲੂਥਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਹਾਂ ਵਿਪਿਨ ਲੂਥਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੜਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਲੂਥਰਾ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਜਰਾ, ਇੱਧਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਜੀ। ਲੂਥਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮੇਲਾ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਪੂਰਾ, ਉਰੇ ਮੇਲਾ ਮੈਨੇ ਸੁਣਾ ਹੀ ਸੁਣਾ ਥਾ ਮੇਲਾ, ਸੱਚੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਲਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਕੌਣ ਆ ਬੰਦਾ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਓ ਜੀ ਲੂਥਰਾ ਖਾਨਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ। ਆਓ ਜੀ ਲੂਥਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੂਥਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਇਆ? ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਈ ਬੇਟੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਆ? ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ। ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜੈ ਮਾਤਾ, ਲਓ ਜੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ, ਪੂਰੀ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ, ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਬ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਥਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਤਾ ਥਾ, ਮੇਰੀ ਚੋਰੀ ਪਕੜੀ ਜਾਤੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਕਿਆ ਹੈ, ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਕੇ ਬਾਲ ਬੋਲਤੇ, ਵਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੁਛ ਔਰ ਹੈ? ਵਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੈਂਡੀ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਇਸਕੋ। ਵੈਸੇ ਵਹੀ ਬੁੱਢੀ ਕੇ ਬਾਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਹਮਾਰੇ ਸਮੇਂ ਬੋਲਤੇ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਕੇ ਬਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਖਾ ਕੇ? ਇਹ ਅੱਛਾ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਈ? ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਹੋ ਯਹਾਂ ਸੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ? ਨਹੀਂ, ਕਚਹਿਰੀ ਸੇ। ਹੈ ਕਚਹਿਰੀ? ਅੱਛਾ ਕਚਹਿਰੀ ਸੇ। ਅੱਛਾ ਕਚਹਿਰੀ ਸੇ, ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਲੋ ਗੋਲਗੱਪੇ ਵਾਲੀ, ਹਾਂ ਆਓ ਜੀ ਕਿ ਗੋਲਗੱਪਾ ਖਾਈਏ ਫਿਰ। ਆ ਵੀ ਗੋਲਗੱਪੇ ਲੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ ਦੇ, ਉਹ ਮਿੱਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲਗੱਪਾ ਖਵਾ ਵੀ ਇੱਕ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਮਿੱਤਰਾ। ਆਓ ਜੀ ਲੂਥਰਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੋਲਗੱਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੋਲਗੱਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ। ਲਓ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੁਣ ਗੋਲਗੱਪਾ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੋਲਗੱਪਾ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ। ਕਾਕੂ ਸੇਠ ਤੇਰਾ ਲੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਗੋਲਗੱਪੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਸੀਗਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਅੱਗੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟੀਏ, ਪਰ ਗੋਲਗੱਪੇ ਸੀਗੇ, ਕੈਂਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂਡਲਸ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਬਈ, ਨੂਡਲ ਬਾਈ ਉਹ ਭਾਈ ਨੂਡਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨੂਡਲ ਖਵਾ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜੀ। ਛੇਤੀ ਨੂਡਲ ਖਵਾ ਰਹੇ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ।
भाई मजा आ गया नूडल का भाई, क्या बात है भाई। वाह जी वाह, लुथरा साहब तुसीं कमाल करता भाई। बस ये माई दा आशीर्वाद, ये मेला नहीं है, तुसीं वाकई मेला लगाता। खाने पीने की सारी चीज़ें रखी अपने, गोलगप्पे अपने रखी हैं, टिक्कियाँ अपने को है, नूडल्स अपने को है, कैंडी हैगी है। वाह भी वाह, नज़ारा आ गया। और मुंडिया ये किन्नी को हम खवा चुके हूँ तक? सवेर का लगेगा, चार पाँच सौ खवा चुके हैं लोगों को। अच्छा जी, ये देख लो जी, चार पाँच सौ अभी ये लोगों को खिला चुके हैं टिक्कियाँ अभी। वाह मज़ा आ गया, आगे चलते हैं जी, आइए। अच्छा कमाल, अभी टिक्की की डिमांड हैगी काफ़ी ज़्यादा, 400-500 टिक्की भाई दे गया, 400-500 टिक्की ये खवा चुके हैं भाई। बल्ले बल्ले नज़ारा आ गया अभी टिक्की का भी, बल्ले बल्ले मज़ा आ गया, मतलब लोग टिक्की नू बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अटे जी टिक्कियाँ दसो, टिक्की का स्वाद किदा है? बहुत वधिया है। कितों आए आप? दसो बना, अंबरसर। मेरी माँ हैगे, हद हो गए, मैं भी तुम्हारा पुत्र है, मैं भी लुथरा है भी। बाबू जी पहला तो पिता श्री नू प्रणाम। प्रणाम जी। टिक्की खा के तो स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, कितना वे वे। पूरा आ रहा मजा? हाँ। क्या बात है, दिल खुश करता मेरे पापा जी ने। वाह वाह, आओ जी आगे चलिए। हूँ ये जलेबी तो काफ़ी टेढ़ी महंगी जलेबी हैगी है, तुम ये दसो ये जलेबी जी बन रही है ये मिठा किस तरह जा रहा है? बनती टेढ़ी हैगी, सीधी नहीं बनती है, टेढ़ी बनती है सीधी नहीं बनती। पर जलेबी तुम बना रहे मिठा किस तरह आ रहा है? सबर वाला मिठा देखो तुम्हारे सामने हमने पा रहे हैं। हाँ जी, मिठा किस तरह पाया भाई? लो जी हो गए तैयार की कच्ची अजे हो गई जी। ओ वाह जी वाह, अद्धी मिठास तो जो मंदिर च बनी उदों ही आ जाना है, वो तो लोगों का टेस्ट है जी, रब का टेस्ट इतने आ चुका है जी ऑलरेडी। सही मैंने जी, विशाल लुथरा जी लुधियाना तो। दो ताड़ियाँ लुथरा साहब से मारो, लुथरा साहब ने बहुत वजह गल कही है भी कि मंदिर के जब असं आए हैं तो मिठास माता राणी ने। बिल्कुल जी बिल्कुल जी, वो मिठास पिछले पता इकट्ठे हुए हैं जी सारे। इधर आओ जी फिर माड़ा जहाँ, आओ जी इधर आओ जरा। मैं इन्हों देखा चोरी चोरी छुप छुप ये स्वाद लै रहे हैं, सानू बुलाया नहीं इन्होंने। मैं भी लुथरा परिवार चो ही है, तुम कले खाई जा रहे हो, तुहाडे पुत्र तुहाडे कोल ही बैठे जी, कमाल कर रहे हो। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ। ਅਤੇ ਕੀ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਟਿੱਕੀ ਲਈ, ਕੌਫੀ ਇੱਕੋ ਟਿੱਕੀ, ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਕੁਛ ਅਜੇ? ਕੌਫੀ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿੱਕੀ ਲਈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਧਾ, ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਬਲਾ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਰਵੀਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅੱਜ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੂਥਰਿਆਂ ਦੇ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਏ ਹੋ? ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਆਪਕੀ ਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਆਪਕੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟਿੱਕੀ ਖਾ ਕੇ ਬਸ ਕਰ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬਸ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਈ ਖਾ ਕੇ। ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਿੱਕੀ ਦੋਰ ਖਾਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਖਵਾਇਆ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੂੜੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਛੋਲੇ ਖਾਧੇ ਨੇ ਜੀ, ਬ੍ਰੈਡ ਪੀਸ ਖਾਧੇ, ਹੁਣ ਟਿੱਕੀ ਖਾਧੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਆਹ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਇਹ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਤੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓਗੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਇਹ ਹਲਵਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸੂਜੀ ਦਾ ਹਲਵਾ ਜੀ। ਸੂਜੀ ਦਾ ਹਲਵਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਾਓ ਕਿ ਲੋਕ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਗਰਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਹਲਵੇ ਵਾਲਿਆ ਹਲਵਾ ਮਿੱਠਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਵਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਜਲੇਬੀ ਗਰਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹਲਵਾ ਇਹਦਾ ਮਿੱਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਗੱਪੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆਪਾਂ? ਕਲਾਨੌਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਲਾਨੌਰ। ਕਲਾਨੌਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਕਲਾਨੌਰ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? 11 ਵਜੇ। 11 ਵਜੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਕਿ ਟੇਕਣਾ? ਟੇਕ ਲਿਆ। ਟੇਕ ਲਿਆ ਮੱਥਾ। ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੀ।
अपना नाम दसो आप कि राजकुमार लुधियाना तो लुधियाने तो आए आप माता रानी का कुछ मथा टेक लिया कि टेकना जी टेक लिया जी हाँ जी आप माता रानी को की मंगे इन्होंने मंगे आशीर्वाद मंगे सब का भला करे और कुछ माया मोया कुछ माया तो फिर सब माया तो नाली नहीं आशीर्वाद जाना हूँ क्या बात है जी दिल खुश करता इन्होंने जी बिल्कुल सच्ची जो माता रानी इनको देना वो सब कुछ दे रखा माता रानी इनको जी तुम जलेबी खा रहे हो या कुछ और ही पहला खाता जी जलेबी खा रहे हो या कुछ और पहले खा चुके हो नहीं मैं जलेबी अच्छा फिर जलेबी खा के दिखाओ शर्माओ ना फिर खाओ जरा बड़े थोड़े सारे भरा तो देख लगे जलेबी खाते हुए कल तुम मुकर नहीं सकते जलेबी नहीं खाधी है ठीक है हाँ जी पुत्र जी और मेरे सोहने पुत्र लूथरा खानदान का शर्मांदा नहीं जिंदगी कभी भी लूथरा खानदान नहीं शर्मांदा कभी भी ये बच्चे अगे आते हमेशा मेरे पुत्र तुम ये दसो तुम कल आए हो किस दे नाल आए हो मामा पापा के साथ आई हूँ राजन लूथरा कहाँ से हो आप पठानकोट से अच्छा ये बताओ अभी तक क्या क्या खाया आपने सिर्फ नूडल्स खाए झूठ मत बोलो मैं आपके पीछे पीछे था आपने सब कुछ खा लिया आपने नूडल्स खाए आपकी वीडियो बनी है आपने चार गोल पे खाए कि नहीं खाए आपने चलो फिर खा के दिखाओ फिर हाँ जी नमस्कार जी इधर आओ थोड़ी समाइल बहुत सोहनी है तो मैं नहीं चाहता भी कि समाइल मैं कला देखा साडा पूरा लूथरा खानदान देखे पूरा वर्ल्ड देखे थानू कि थोड़ी जी समाइल है बहुत सोहनी है एक बार कैमरे के उपर अपनी जी समाइल है हस के दिखाओ सारे जी अच्छा हूँ अपना नाम दसो आप कितों के आए हैं और कि पठानकोट से आए हम लोग बड़ी खुशी हुई है कि साडा लूथरा बरादरी साडा लूथरा खानदान जो सारा इकट्ठा हो रहा ना जी मैं बड़ी खुशी हो रही है मैंने जितना भी नेट पे सर्च मारा हमारे लूथरा खानदान का इतिहास हमें कहीं नहीं दिख रहा तो मैंने राजीव भैया से बात की है तो राजीव भैया ने मुझे बोला कि आज हमारा जो मेला यहाँ पर है आप वहाँ आइए आप पूरे का पूरा जो लूथरा खानदान सारा आपको यहीं मिलेगा मुझे ये पता भी कि जब हम अगली बार आएंगे तो यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद मुझे यहाँ पैर रखने की जगह मिलेगी यहाँ पर ये मैं आप सबसे वादा लेना चाहता हूँ कि जो वीडियो हमारी बनेगी उसको सबसे ज़्यादा वायरल करोगे आप बोलो जय माता दी जय माता दी अच्छा मेरे शोरे बेटा आप अपना नाम बताओ मान्या लूथरा क्या करते मेरा बेटा मैं खेलती और पढ़ाई करती कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप सेकंड क्लास सेकंड में पढ़ते हो कि फिफ्थ में पढ़ते हो आप सेकंड क्लास नहीं झूठ बोल रहे हो आप तो फिफ्थ में पढ़ते हो आप फिफ्थ में मेरा भाई पढ़ता है अच्छा भाई पढ़ता है अच्छा अच्छा और आपका नाम दिशा लूथरा इधर देखो क्या नाम जोर से खाना खाया कि नहीं खाया आपने तो खाना खाया पेट भरा हुआ है फिर जोर से बोलो ना जोर से बोलो नहीं बोलो अच्छा मुझे आप एक चीज बताइए आप हाउस वाइफ हो या वर्किंग हो आप मैं हाउस वाइफ हूं हाउस वाइफ हां जी तो जो आपके जो परिवार में क्या-क्या काम करते हैं काम मेरे मतलब सब मेरे दीदी अपने घर का बच्चे काम करते हैं की काम करते बेटे अपने मेरे बच्चा करता है सराफी का काम सराफा हां जी अच्छा सोने का सोने का एक बच्चा करता है एक उतना अक्वा गार्ड का फिल्टर का अच्छा ते एक दिन लड़की बब्बरां घर शादी हुई है बब्बरां दी अच्छा हां जी ते एक सहदेव है जिंदे घर शादी हुई है ते एक ए है बब्बर किथे चंडीगढ़ ਵਿਆਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਓ ਜੀ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਯਾਰ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਦੀਪ ਲੂਥਰਾ ਜੀ ਓਏ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਲੂਥਰਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੈ KULDIP ਕੁਲਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੁਲਦੀਪ ਡਬਲ ਈ ਲਾਣਾ ਡਬਲ ਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਲਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਆਏ ਔਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਲਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੈਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਚਲੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਅੱਛਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਜੀ
ਲੂਥਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਲੂਥਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਲੂਥਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੂਥਰਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੂਥਰਾ ਹਾਂਜੀ ਲੂਥਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਗੋਲਡ ਜੁਐਲਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਗੋਲਡ ਜੁਐਲਰੀ ਦਾ ਗੋਲਡ ਜੁਐਲਰੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਬਿਆਸ ਬਿਆਸ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਨੰਗਲ ਹਾਂਜੀ ਨੰਗਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹੀਏ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣੇ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਇਆ ਲੈਣਾ ਆਏ ਹੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਲੈਣਾ ਆਏ ਤੇ ਮਾਇਆ ਰਾਮ ਮਾਇਆ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਗੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣੇ ਆਏ ਆ ਉਨਸੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਮੰਗਣੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਕੀ ਤੇ ਜੋੜ ਜੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੋਤੇ ਜੋੜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਫਾੜੇ ਜੋੜ ਲਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਤ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵੈਲਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਜੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਦੱਸੋ ਬਲਾ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਕੋ ਰਜੀਵ ਨੇ ਰੋਕਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬਤਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾ ਕੋ ਪੱਕਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਦੀਪੇ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਲੂਥਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਜੀ ਜਵੈਲਰੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਅੰਦਰੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਸ਼ਾ ਪਨੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਪਕ ਲੂਥਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਸੋਨਾ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੀਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੋਨਾ ਮੇਰਾ ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਨਾ ਯਾਰ ਦੋਨੋਂ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਈਟ ਗੋਲਡ ਕਿਉਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਵਾਈਟ ਗੋਲਡ ਵਾਈਟ ਗੋਲਡ ਵਾਈਟ ਗੋਲਡ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਯਾ ਆਪ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਆਪ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਕੀ ਭਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਉਣਾ ਖਾਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਹਾਂਜੀ ਖਾ ਲਿਆ ਜੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਨੈਟ ਵੀ ਆਪਕੋ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆਪਕੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਾ ਮੈਸੇਜ ਆਪ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਔਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾਈਏ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਰਾਜ ਲੂਥਰਾ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੂਥਰਾ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਔਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੰਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਣ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੂਥਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੂਥਰਾ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨੰਗਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਣ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੰਗਣ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਉਹ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਇਹ ਬਾਤ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਕੀ ਜੋ ਆਦੀ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਦੁੱਖ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਭੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਬ ਹਮ ਆਪਣੇ ਬੜੋ ਕਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣੇ ਆਤੇ ਹੈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਮੈਂ ਸਭੀ ਯੂਥ ਸੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਹ ਯੂਥ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਸਭੀ ਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਕਾ ਬੜੋ ਕਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ ਜਹਾਂ ਸੇ ਆਪਕਾ ਵੰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਆਪਕੇ ਪਿੱਤਰ ਹੈ ਉਨਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ ਉਨਸੇ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਸਾ ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਵੀਨ ਲੂਥਰਾ ਇਹ ਬਾਊ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ ਨਵੀਨ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ
मैं वहाँ से देखकर आपके पास आया हूँ। मैं कहा भी एक बारी हाजिरी आपकी लगनी चाहिए। ये हमारी लूथरा खानदान की वीडियो बन रही है जी, पूरी के पूरे समाज के अंदर जाए, हमारे सारे बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, ये यूथ इकट्ठा हुआ है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। आज यहाँ पहुँच कर आप माता रानी का किस तरह से आशीर्वाद ले रहे हो और किस तरह का आपने इंजॉय किया आपने? हम जब से ये मंदिर है ना तब से आ रहे हैं। अपना नाम बताइए सर। मेरा कोकिला लूथरा। हाँ जी। और ये क्या करते हो आप? मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड पुलिस में है। पुलिस में? हाँ जी। ये तो डरना पड़ेगा मुझे आपके साथ। सर मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपकी बिना मर्जी के यहाँ पर आ गया हूँ जी। मैं बहुत अच्छे हैं, वो बहुत सेवा करते हैं यहाँ पे। जगदीश लूथरा जी उनका नाम है, लेकिन बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे बढ़ चढ़ कर सेवा करते हैं, हमारे सहयोगी हैं वो। मथा टेकने तो वो फिर ड्यूटी चले गए हैं। हाँ जी। निखिल पठानकोट तो ही है। मंदिर की पहले एक कठुए होंगे दूरी होने करके तो जी एंड के दे बॉर्डर के कारण कुछ दिक्कत आदि सी, जिदे कारण इन्हों का प्रस्थान इतने किया गया सन 2003 दे विच। ए थे बहुत वड्डी मान्यता है जी कि तुसी जे दिलों मनोकामना दे नाल जो भी चीज़ मंगते हो इतने जरूर पूरी होंदी है, और विश्वास बहुत वड्डा विश्वास पात्र ये इलाका हैगा, साफ सुथरा इलाका हैगा। बहुत से दूरों पारों पूरे हिंदुस्तान चो साडे लूथरा भरा इत्थे आउंदे ने, मंत्रा मन्नता मानदे ने, हर मन्नत पूरी हुंदी है। किसी भी तरह की कोई बीमारी, कोई रिक्वायरमेंट, हर चीज़ दिलों ते मनोकामना नाल पूरी हुंदी है। ते सानू बहुत स्वागत है जी माता रानी दा, जिहड़ा ये सारा सिस्टम बहुत वधिया तरीके दे नाल इत्थे चल रहा है। ते लोकी बड़ी दूरों दूरों मन्नत मानदे। इस वारी दा रश देख के असीं ज़्यादा खुश होए हैं कि बहुत नवे चेहरे देखने मिले हैं, जिहड़े कि पहले कई लोगों को पता नहीं था कि मेल इत्थे लूथरा की मेल इत्थे पठानकोट के विच कितने लगती है। तुसीं मैनूं ये दसो, मैं भी लूथरा परिवार खानदान चो हैगा, मेरा नाम विपल लूथ चंडीगढ़ आया मैं। अच्छा जी। तो मेरा यूट्यूब से काफ़ी कुछ है, मेरे नाल गुरु मेरे नाल है, अर्जुन सिंह जी नाल है। हेलो, ये मेरे गुरु जी है, बहुत सारी वीडियो इतने बनी हुई है। तुसीं मेरा फेसबुक से यूट्यूब से मेरा अटैच है कि नहीं? नहीं, मैं तुहाडे नाल अटैच नहीं है। हाँ, मेरा नाम है विपल लूथरा। ओके। VIPAN विपल लूथरा। मैं आज सर्च मारोगे तो भरा जुड़ेगा तो नाल। श्योर जी। आप जी वीडियो बना रहे हैं, अपनी कोशिश देगी भी कि अपना जो लूथरा खानदान अपना है, लूथरा बरादरी हैगी है, असं वो वो एक दूजे जानिए, तो साडा अगली बारी जब अभी पहुंचिए तो साडा सारा लूथरा खानदान सारे इकट्ठे हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। जिन्हें भी साडे बिछड़े हुए मोती है सारे मोती इकट्ठे करके माला बनानी है। माला बनानी है, बिल्कुल सही गल है। तो सब का सुंदर प्रयास है। अपने इतने प्रधान राजीव ठाकुर जी, उन्होंने बड़ा अच्छा योगदान है भी, सारे अज इकट्ठे हुए हैं इतने सारे, तो उसी तरीके हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जेडे साड़ी मोती अलग अलग जगह पे है वो सारे जुड़न ते माला बनाए। आजकल डिजिटल मीडिया का ट्रेंड है, डिजिटल दे नाल बहुत वायरल हो जाती है चीज़ बहुत जल्दी, और ये बहुत वधिया तुसी भेंट किया है इस मंदिर नू कि तुसी इस वीडियो नू यूट्यूब दे राही बहुत पॉपुलर कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद विपन जी तुहाडा ते तुहाडी पूरी टीम का। क्या बात है। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਣ ਆਇਆ? ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀ। ਉਹ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਵੀ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਏ ਵੀ ਅੱਜ? ਇਹ ਹਮ ਹਰ ਸਾਲ ਆਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਆਤੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੇ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਅਬ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਤਨੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? 18 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ। 18 ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬਈ। ਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੂੜੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? परिवार छोटा जा बच्चा कितना देखो सिंसियर हो गया
कि इसके बच्चे ने छोटी उम्र के सब अपने परिवार की खुशियां मंग रहा है। जय माता दी। जय माता दी। आओ जी चलिए, ये साडे राजीव जी हैगे आ। राजीव भाजी ने तो लाता मेला उरे, लोग कर रहे नज़ारे इन्हें मेले में, हर चीज़ का आनंद ले रहे इत्थे, दाल सब्जी छोले भटूरे जलेबियाँ। ये साडे भाभी जी, आओ जी धराओ। नमस्कार जी, इधर घूमिए, इस बच्चे का मुद्दा दिखाओ मेरे पुत्र को, इसने भी दुनिया देखनी है, अभी पूरा हिंदुस्तान इसको देखेगा, मेरे सोने बेटे को। क्या नाम है मेरे बेटे का? नहीं पता ना नाम अपना। अच्छा आप बताइए इसका नाम क्या रखा बेटी का? भूमि, भूमिका। भूमिका, नाम बहुत सुंदर रखा आपने। कहाँ से आए हो आप? हम धीरे से, धीरे ये पठानकोट से। अच्छा लोकल, क्या करते हो आप? कुछ नहीं। अच्छा मथा टेक लिया माता जी को आपने? टेक रहा मथा? क्या मांगा माता जी साहब? आ जा अभी मेरे पहलवान, ये देखो ये है 10 साल का पहलवान, ये कुश्ती करने के लिए मैं इसको बॉम्बे जा रहा है, ये ट्रेनिंग कर रहा है, ये कोचिंग के लिए। आप अपना नाम बताओ। आयुष। पहलवान? आप पहलवान हो आप? नहीं। हाँ क्या करते हो आप? ऐसे काम है, ऐसे काम में रहता हूँ। अच्छा घूमते रहते हो, पढ़ते नहीं आप? पढ़ता भी हूँ। कौन सी क्लास में? थर्ड, तीसरी। अच्छा आपकी ये रोटी मैं खा लूँ कि आप खाओगे? अब बल्ले शाबाश मेरे पुत्र। ये देखो जी दो जुड़वे, राम और श्याम, ये दोनों पहलवान हैं, दोनों ने कुश्ती करनी है। 15 मिनट के बाद इनका कुश्ती का लगने में मिला यहाँ पर। नाम बताओ अपना। लक्ष्य। रोटी कितनी खाई अभी? एक। झूठ मत बोलो, मैंने देख लिया आपको, 8 खा चुके हो आप। नहीं एक ही खाई है ना? नहीं जलेबी खाई थी? नहीं खाई। खा रहे थे आप यार? गोलगप्पे कितने खाए? 2। नहीं नहीं 8 गोलगप्पे खाए आपने? नहीं 2। पेट भर गया कि नहीं अभी? पेट भर। मज़ा आ रहा है आपको? हाँ जी। मथा टेक लिया आपने? नहीं। मथा टेका? कब टेकोगे मथा? चलो मथा टेको। जय माता दी बोलो। ठीक है बोलो। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी बोलो। जय माता दी। बल्ले 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 बल्ले। लूथरा साहब ने मेला लगाता दोबारा फिर थे मुड़ के, और सारा मेला इकट्ठा करता लूथरा साहब। हाँ जी इन्हें ना मुलाकात कराओ, सी मुलाकात तो कराई नहीं रहा। ए जी हुशियारपुर तो ने, हुशियारपुर तो ने साडे भाभी जी ने, बड़े प्यारे भाभी जी ने। ते भाभी जी करदे की दसो ना? भाभी जी हाउस वाइफ ने। दसो जी दी अग्गे आपे तुसी आ बोलो, मेरा भरा बोली आ रहा, तुसी बोलो बोलो बोलो। शॉबी आ हाउस वाइफ है, बिजनेस मैन लेडी हूं। हां ये भूल जांदा ना। अच्छा आपने मथा टेक लिया आपने? हां जी। क्या मांगा भगवान से? भगवान से हमने मांगा जितना भी ये परिवार है सारा, हमारा संसार है, सब खुशी रहे अपने। क्या बात है जी, क्या बात है जी। देखो जी मैं बहुत सारे लोगों के यहाँ मिला हूँ, सब लोगों ने अपने लिए कुछ ना कुछ मांगा है। मैं नाम द्वारा बताइए मुझे अपना। अनीता लूथरा। अनीता जी मेरा मन खुश कर दिया आपने कि आपने अपने लिए कमांगा है और दुनिया के लिए सब कुछ मांगा आपने। मुझे इतना पता भी अगर दिल से आपने सबके लिए मांगा है तो भगवान सबको सब कुछ देगा जी आपको जी। जय माता दी। जय जय स्तुति माता दी। जय कारा स्तुति माता दा। जय दरबार की जय। हां जी आओ जी। अभी भाई साहब कितने हो गया भाजी, हद हो गया। ये कोले भाई साहब हमारे। हां जी ये भाई साहब साडे बड़े बड़े भाई साहब साडे, इना घर वाले आए दा, बड़ा वधिया अरेंजमेंट होता है और बड़ा मजा आंदा है। अच्छा लूथरा साहब ही दसो आप की करदे आप, कारोबार की करदे आप? करो मेरा जी इनकम टैक्स दा। ओ भाजी मैं तो गलती हो गया, यही एक डिपार्टमेंट ऐसा है भी कि जिसके आगे सारे हाथ जोड़ते हैं। लूथरा साहब घेर लिया भाई, बचाओ भाई। लूथरा साहब की गड्डी पेंचर हो गई सी, सवेरे रंग पीला हो गया, कहिंदे मैं जा नहीं पैना अज। मैं कहिंदा नहीं हौसला करो माता जी बुलाणगे, बुला लिया। नहीं तुसीं कहिंदे रंग पीला हो गया, मैं तां रंग लाल लग रहा जी। महामाई को आ गया ना। क्या बात है, बुलाया सी जी दा, हुण तां लेट हो गया। तू सर कहां लगे इनकम टैक्स में? कहां? हुशियारपुर। हुशियारपुर में ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰਹੇ ਬੜੇ? ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਕਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਕਹੋ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿ ਲੂਥਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਓ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਬਾਓ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਬਾਓ ਜੀ? ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ
ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ? ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਦਰਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬਸੰਤ ਵਿਹਾਰ ਗਏ? ਅੱਛਾ, ਬਸੰਤ ਵਿਹਾਰ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਆਰਮੀ ਇਨਫੋਰਮਿੰਗ ਡਿਫੈਂਸ। ਡਿਫੈਂਸ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕੇ ਸਾਥ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ। माँ सरस्वती की जय, जय बाबा भोले लाल की। हमारी जो कुल देवी है वो माँ सरस्वती है और कुल देवता जो है वो बाबा भोले लाल जी है। ये हमारी जो कठ बिरादरी होती थी वह पहले जिला पाकिस्तान में शुरू हुई थी, उस वक्त के बाद बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं चल रहा था कि हमारे देवता कहाँ है और हमारी कुल में क्या क्या होता है। हमारी जो परंपरा थी वो पहले थी बकरी, बकरे का वो हम उसे जब कोई हमारे घर बेड़ा पैदा होता है या शादी होती है हम बकरे का बलि देते थे, जो बाद में बलि की प्रथा बंद हो गई और उन्होंने माता से आशीर्वाद मांगा कि हमें ये बलि का काम नहीं करना चाहिए, हम शुभ काम करते हैं और हमें कड़ाह पूरी का जो है वो उससे पूजा करनी चाहिए। तो तब माता ने बहुत उनकी प्रार्थना जो है बहुत लंबे तक उन्होंने प्रार्थना की और प्रार्थना उनकी स्वीकार कर ली। माता ने आशीर्वाद दिया कि आप कड़ा का बना के उसकी छुरी मार दो वो बड़ी हो जाएगी आपकी। तो वो प्रथा बड़ी की उस वक्त से बंद है और हमारे परिवारों को कभी हमारा पता नहीं चलता था कि हमारे पूर्व कौन है और कहाँ से शुरू हुई है और उसकी प्रथा क्या क्या है। हमारी कुल में काला कपड़ा जो है वो बिल्कुल बैन है, उसको नहीं पहनते हैं और उसी के हिसाब से जब धीरे 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 से माता जी ने स्वप्न में आकर राजकुमार जी को ये स्वप्न दिया, उन्होंने जहाँ पे मंदिर बनवाया उसका और तब से काफ़ी देर से ये लगातार संख्या भी बढ़ती जा रही है और लोगों को पता चलता जा रहा है। जो जो लोगों को पता चलता है वो काफ़ी संख्या में यहाँ पे आते हैं और माता से आशीर्वाद मांगते हैं और हमारी जो जो प्रथा है उनका सबको पता चलता है और उसी के हिसाब से जब बच्चा पैदा होता है या बहू को रीतें चढ़ानी होती है या शादी के बाद मन्नत मानती होती है वो सभी रीति रिवाज अब यहाँ आकर लोगों को पता चलते हैं और आगे से श्रद्धा भी बढ़ रही है और दिनों दिन हमारी बिरादरी इकट्ठी हो रही है और उसका योगदान इस मंदिर का माँ कुल देवी का कुल देवता का बहुत ज़्यादा है। ये बाबा बूरा जी दो भाई थे, एक का नाम बाबा बूरा था और दूसरे का नाम लोधी जी था। ये दोनों भाई बहुत ही पराक्रमी थे, लड़ने में बहुत तेज और राजपूत बिरादरी के होने के कारण इन पे महामाई की भी बहुत अपार कृपा थी, देवताओं का पूरा आशीर्वाद था। एक दिन ये मुसलमानों के साथ युद्ध कर रहे थे, युद्ध करते करते बाबा लोधी जी और बाबा भूरा जी दोनों इन्होंने बहुत पराक्रम से युद्ध किया, लेकिन जो बाबा भूरा जी थे इन्होंने लड़ते लड़ते इनका शीश कट गया और इनका शीश कट के वो ऊपर पेड़ पर टंग गया और ये जो इनकी पत्नी थी उनको वो घर में गोबर से उपले बना रहे थे, उनको वहाँ बैठे बैठे ऐसे लगा कि हमारे मेरे पति को कुछ हो गया है और तभी उन्होंने वो वहाँ से उठ के युद्ध के मैदान की तरफ भाग गई। वहाँ पे जाते जाते ये उल्टे पांव भाग रही थी, सारे देख रहे थे कि ये महामाई कैसे जा रही है उल्टे पांव और वहाँ पे जाके उन्होंने देखा कि मेरा पति बिना सर के बिना धड़ के साथ अकेला लड़ रहा है उनको, क्योंकि उनका जो सिर था वो वहाँ पे पेड़ के ऊपर टंगा हुआ था। बाबा भूरा जी को लड़ते हुए देख महामाई जब उनके करीब आई तो उन्होंने अपना जो शीश कटा हुआ था माँ की झोली में डाल दिया और जैसे ही वो शरीर उनके झोली में डला और वो बाबा जी नीचे ज़मीन पे गिर पड़े और वो शहीद हो गए। और ये देख के महामाई को बहुत गुस्सा और क्रोध आया, उन्होंने और जो बाबा भूरा जी थे उनका शरीर तब काले कपड़े में लपेटा हुआ था। ये देख के महामाई बहुत विचलित हो गई और उन्होंने उसी वक्त श्राप दिया कि जो भी मेरे वंशज में काला कपड़ा पहनेगा वो कभी भी सुखी नहीं रहेगा और इसी के साथ ही महामाई उनके साथ सती हो गई, बाबा भूरा जी के साथ सती हो गई। माता स्तुति और बाबा
भूरा जी के शहीद होने के बाद उनके भाई जो लोधी जी हैं उन्होंने महामाई से प्रार्थना की कि आप दोनों हमें छोड़ के जा रहे हो, आपके जाने के पश्चात हम कैसे किसको पूजा करेंगे, किसको देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये जो हम जहाँ जिस जगह पे शहीद हुए हैं वहीं पे जो पौधा होगा वही हमारा स्वरूप होगा और उसी की आप लोग पूजा करोगे और इसी पौधे को आप जब हम कोई भी मंगल कार्य करते हैं तो जठेरों के रूप में घर में लेके आते हैं, जिसे हम कुशा भी कहते हैं। लुद्धर बरादरी की मेल हर वर्ष पठानकोट में खड्डी पुल नज़दीक सिविल हॉस्पिटल में दुर्गा ज्योति भवन में लगाई जाती है। अच्छा, मुझे ये बताइए जो हमारे जो रीति रिवाज है हमारे परिवारों के अंदर जो अजारन जो निकालते हैं उसका महत्व क्या है और कैसे एक हम निकालते हैं अजारन को? हाँ, जो घर के बीच कोई लड़का का शादी करते हैं या घर में कोई लड़का पैदा होता है तो इसलिए हम अजारन निकालते हैं और अजारन निकालते जब जो अजारन असं बाहरों एक रूप में असी उन्होंने रूप लैके घर के आने असं चौंकी बिठाने उस तो बाद असी उन्होंने फिर अजारन कटते हैं। फिर पहले अजारन असी कटते हैं बाबा भूरी जी का, फिर माता स्तोती जी का, फिर एक गाय का, एक कुत्ते का और घर में जा कोई भी दीमान आया हो जा अपनी बेटी का निकाल लेते हैं। फिर जो भी जारन निकालते हैं वो जारन वही खाता है जिसका जो जारन होता है वही खाएगा, दूसरा कोई नहीं खाएगा। अच्छा, आप हमें ये बताइए जो हमारे लूथरा बरादरी के जो रीति रिवाज है जन्म के प्रति वो किस तरह के हैं? ये गोद भराई होती है ना बहू, जब क्या कहते हैं सातवें महीने में चालू होती है, सातवें महीने के सोमवार के जो पहला चांदना आता है उसमें होती है, तो उसमें लड़की के परिवार से सारा रीति रिवाज समान आता है। गुलाबी रंग का सूट आता है, चुन्नी आती है, बिंदी आती है, चावल आते हैं और मखाने आते हैं, बादाम आते हैं, सारा कुछ आता है। और जिसमें वो लड़की के परिवार वाले आते हैं, लड़की की गोद भराई की रस्में वहीं से चालू हो जाती है, फिर उसकी गोद में सारा सामान दिया जाता है और चावल और बिंदी जो होती है वो रिश्तेदारों में बांट दी जाती है। हाँ, जिसमें श्रृंगार के सामान में बिंदी और चावल जितनी लूथरा बिरादरी यहाँ की बहुएँ हैं उन सब में बांट दी जाती है, तो उससे बहू का आठवां महीना चालू हो जाता है। और बच्चा फिर जब हो जाता है उसके बाद बहू को 5 दिन तक दूध और पिंजरी ही खिलाई जाती है और 13 दिन तक बहू को उसके बाद चोखा चढ़ाया जाता है और बच्चे को जब बच्चा पैदा होता है कपड़े नहीं पहनाते हैं, ना ही कंघी करते हैं, ना ही हमारे में सुरमा लगाते हैं, काजल नहीं लगाते हैं हमारे में काला काजल बच्चों के में, और बच्चे के कान के पास का बाल काट के और उसको संभाल के रख देते हैं। फिर 2 साल के बाद बच्चे के मुंडन कराने के लिए हमारे यहाँ पे पठानकोट में जठेरों के पास आके बच्चे का मुंडन करवाते हैं, धूमधाम से मत्था टिकवाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं और बांटते हैं सब। अच्छा, आप हमें ये बताइए भी कि जो लूथरा खानदान के अंदर जब लड़के की शादी होती है उसमें क्या क्या रीति रिवाज रहते हैं? रीति रिवाज सर ऐसे ही हैं कि जब लड़के की शादी होती है तो शादी से 5 दिन पहले हम थोड़ा सा सामान निकालते हैं, जैसे गेहूँ सामत वगैरह हम निकाल के 7 सुहागनों को बारी बारी से 5 बर्तनों में जैसे निकाल के, तो इन सब चीज़ों को 7 सुहागनों को देते हैं। फिर गुलाबी रंग के कपड़े में हम उसको बांध के रख देते हैं और शादी वाले दिन सुबह 4 बजे घरों की छाँव में हम अलग से उसको रख के पीस देते हैं। पीस के फिर थोड़ा थोड़ा सामान हम जो है उसकी टिकड़ी बना लेते हैं और छोटे छोटे करके बना कर तेल में डालकर उनको तल लेते हैं। 5 बार 5 लड़के की टुकड़ी में झोली में डाल देते हैं, फिर बाकी मकान की छत पे डाल देते हैं। लड़के के मामा जो होते हैं वो झोली में सुहागन डाल कर लड़के को माइयों वाले स्थान पर लेके जाते हैं, उठाकर पंडित जी को सेहरा बांधने के लिए कहेंगे, फिर सेहरा बांधने पर लड़का जो घोड़ी पर जो होता है सवार होता है। फिर इसी तरह से हमारे रिवाज शुरू होते हैं जारन करने से, बस यही है। जारन करने से पहले जो होता है जठेरी की चौकी पर विराजमान किया जाता है, फिर सबसे बड़े जो सदस्य होते हैं जारन बाबा भूरा जी,
उनका दूसरा अनजान जो होते हैं सत्यवती माता जी का होता है, तीसरा अनजान जो होता है वो धीमान का होता है, चौथा अनजान गाय का होता है, पांचवा अनजान कुत्ते का देते हैं, उसके बाद परिवार के सदस्यों को इसी प्रकार अनजान निकालते हैं, फिर उसके बाद घर का जो सदस्य अनजान लेगा और अनजान को किसी दूसरे खाने को नहीं देना चाहिए, मतलब किसी को भी, वो हम सबका निकाल के अलग अलग रख देते हैं, मतलब अपने जो ठेरे होते हैं, जो मतलब अपनी देवी माता होते हैं उन सबका हम निकाल कर उनको उनको बुलाते हैं शादी के लिए, निमंत्रण देते हैं उनके लिए। तो फिर उसके बाद जो होता है उनका आशीर्वाद लेकर गाय को खाने को देते हैं, कुत्ते को खाने को देते हैं, फिर बड़ों का अंजारण लेकर घर के किसी बड़े सदस्यों को माता स्तुति के मंदिर में जाकर अर्पण कर देते हैं हम, फिर घर की बेटियों को अंजारण देते हैं, और उसी समय फिर जो है घर की बड़ी बेटी जो है धीमान का अंजारण भी कर देती है। तो ये थे हमारे जो लूथरा खान, जो लूथरा बरादरी हमारी, उसके जो रीति रिवाज थे। रीति रिवाज को जब हम लोग मानते हैं और अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो हमें माता जी का आशीर्वाद मिलता है और सारे सुख सुविधाएं हमारे को मिलती हैं। इसके साथ ही मेरा आपको नमस्कार।